नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं आपसे बात करने चला हूं पलवल जिले की एक ऐसी राजनीति को लेकर जो अब परवान चढ़ने जा रही है। पलवल जिले की एक ऐसी राजनीति जो लंबे समय से पलवल जिले की, क्योंकि पलवल जिला तो अभी बने हुए लगभग 15 साल हुए, लेकिन उससे पहले भी यहाँ की राजनीति को प्रभावित करती रही है। पलवल जिले के ऐसे 3 दिग्गज नेता जो कभी आमने सामने रहे तो कभी उनके अंदर प्रेम की पींगे भी बढ़ी। जब जब वो आमने सामने रहे या उनकी प्रेम पींगे बढ़ी, यहाँ का पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो चेंज होता गया, यानी कि राजनीतिक रूप से जो परिदृश्य था पलवल जिले का वो बदलता रहा। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ पलवल जिले के 3 कद्दावर नेताओं का जो कई बार MLA रहे। हालांकि उनमें से मंत्री तो 2 ही लोग बने, लेकिन एक नेता आज उनमें से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं पलवल जिले के 3 कद्दावर नेताओं करण सिंह दलाल, चौधरी उदयभान और हर्ष कुमार। एक पलवल विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज, दूसरे होडल विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज और तीसरे हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना डंका बजाते रहे। करण सिंह दलाल जो 5 बार विधायक बने, दूसरी तरफ चौधरी उदयभान जो 4 बार विधायक बने और तीसरी तरफ चौधरी हर्ष कुमार जो 2 बार विधायक बने। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि अभी पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था, आप इसको जाकर के अब भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि करण सिंह दलाल, उदयभान और हर्ष कुमार मिल सकते हैं। एक नया पोस्टर वायरल हो रहा है, मैं उसको भी देख रहा था और आप भी इस पोस्टर को देखिए। इसके अंदर जो फोटो लगे हुए हैं, 5 तारीख को पलवल के अंदर, 5 अगस्त को पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस का जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस फोटो को आप गौर से देखिए, इसमें आपको 2 चीज दिखाई देंगी। ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, कहने के लिए तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है फरीदाबाद लोकसभा चुनाव जो हुआ, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया, 25 मई को जिसका लिए मतदान हुआ, उस लोकसभा चुनाव के लिए जो लोगों ने, पलवल जिले की जनता ने जो मतदान किया, प्रत्याशी को वोट दिए और भले ही प्रत्याशी चुनाव हारे, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट रहा कांग्रेस का, उसके लिए कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो असली बात तो ये कि आभार जताने आ रहे हैं। क्योंकि वो जो कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हरियाणा के सभी जिलों में हो गए, लेकिन पलवल में नहीं हुआ था। अब इस फोटो के अंदर, क्योंकि चौधरी महेंद्र प्रताप को वोट देने के लिए आभार जताने आ रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर के अंदर चौधरी महेंद्र प्रताप का फोटो नहीं है। और दूसरा इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा चौधरी हर्ष कुमार का फोटो। हर्ष कुमार, मैंने आपको बता ही दिया कि हथीन से विधायक रहे हैं 2 बार और चौधरी बंसीलाल की वजारत में वो वजीर भी रहे हैं, यानी कि सरकार में मंत्री भी रहे हैं। एक बार हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने, एक बार वो कांग्रेस से विधायक बने। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये तीनों नेता इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा, राजनीतिक परिदृश्य में क्या कोई बदलाव आ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तीनों नेता जो लोकसभा चुनाव में भी एक दूसरे की तरफ इतने आकर्षित नहीं थे, तो आखिर एकदम से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 5 जून से लेकर के और फिर 5 अगस्त के बीच में, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इसे क्या बदलाव हुए जिससे कि हर्ष कुमार, करण सिंह दलाल और चौधरी उदयभान की गलबैयां होनी शुरू हो गई। पलवल जिला पूरी तरह से ग्रामीण बेस्ड जिला है। पलवल जिले को रूरल जिला माना जा सकता है और पलवल जिले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, हथीन, होडल और पलवल। हालांकि प्रथला विधानसभा क्षेत्र को भी इससे इतर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रथला क्योंकि पलवल जिले के अंदर भी है और फरीदाबाद में भी है। इस वीडियो में आपसे चर्चा प्रथला की भी थोड़ी सी करेंगे, लेकिन मुख्य चर्चा पलवल जिले की करेंगे और पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों की, और वो कि इन 3 नेताओं के इकट्ठे होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी हर्ष कुमार की। हर्ष कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के दौरान, लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ था तो उस समय चौधरी हर्ष कुमार ने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया था। उससे पहले वो जननायक जनता पार्टी में थे। 2019 का चुनाव उन्होंने चाबी के निशान पर लड़ा था, जननायक जनता पार्टी के टिकट पर, और जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए वो चुनाव हार गए थे, 3रे स्थान पर रहे थे हथीन के अंदर।
और जब चुनाव आया यानी कि लोकसभा का चुनाव आया तो उसी दौरान उन्होंने जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर वो कार्यरत थे। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के बहुत नज़दीक थे। सत्ता में रहते हुए जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार थी उसमें चौधरी हर्ष कुमार का भी पूरा डंका बजता था, लेकिन उन्होंने एकदम से जजपा को टाटा बाय बाय बोला और कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए चौधरी हर्ष कुमार ने समर्थन दिया चौधरी महेंद्र प्रताप को। चौधरी महेंद्र प्रताप जो लोकसभा के कैंडिडेट थे उनको सबसे पहला जो समर्थन मिला वो चौधरी हर्ष कुमार का ही मिला। जब हर्ष कुमार जी ने उनको समर्थन दिया तो फिर उन लोगों ने भी नजरें तरेरी जो चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ थे, और उनकी भी नज़रों में बल आया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह कर जिनका चौधरी महेंद्र प्रताप से 36 का आंकड़ा था। यानी कि चाहे वो करण सिंह दलाल थे, चाहे वो उदय भान थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और इसके साथ साथ फिर चाहे हथीन विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार जो कैंडिडेट हैं आज भी मोहम्मद इजराइल, ये सब नेताओं के माथे पर बल जरूर आए जब हर्ष कुमार का समर्थन चौधरी महेंद्र प्रताप को मिला और महेंद्र प्रताप और हर्ष कुमार के समर्थक इकट्ठे हुए। चुनाव शुरू हुआ, उस चुनाव के अंदर हर्ष कुमार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच भी साझा किए, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन तब तक नहीं की। लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो हथीन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप लगभग 52,000 वोटों से आगे रहे। चुनाव तो हार गए लेकिन एक रिकॉर्ड बना हथीन विधानसभा क्षेत्र का, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो कि 52,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट आगे रहा, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जीता हो ये हथीन का रिकॉर्ड है। अब उस जीत के पीछे चौधरी इजराइल का कितना योगदान था, मोहम्मद इजराइल का, चौधरी हर्ष कुमार का कितना योगदान था और बाकी तमाम जो कांग्रेस जन थे उनका कितना योगदान था, इस पर भी चर्चाएं शुरू हुई। और इन बिटवीन यानी कि 5 जून के बाद जब चुनाव परिणाम आ गया और आज की वर्तमान स्थिति के अंदर वो दिन आते गए धीरे धीरे कि जब चौधरी हर्ष कुमार नज़दीक हो गए चौधरी उदय भान और करण सिंह दलाल के, और स्थिति ये आ गई कि तीनों नेता अब गुड़ शक्कर, गुड़ और घी शक्कर आपको दिख सकते हैं आने वाले समय में। अब बात यह आ जाती है कि इन तीनों नेताओं के मिलने से जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपसे हथीन की बात ही कर रहा था। हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए जहां हर्ष कुमार जी का चुनाव लड़ना तय है कि उनको चुनाव लड़ना है, इधर दूसरी तरफ मोहम्मद इजराइल हैं, आप उनका भी मान लें कि चुनाव लड़ना तय है, उनको भी चुनाव लड़ना है। अब ये दोनों नेता कांग्रेस से दावेदारी करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि क्या हर्ष कुमार जी को जो कांग्रेस में लाया जा रहा है क्या उसके पीछे उनके साथ कोई समझौता है, कोई शर्त है, उनको कोई उनसे कोई करार किया गया है, उनको कोई श्योरिटी दी गई है कि टिकट को लेकर के, क्योंकि चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं और करण सिंह दलाल का भी कांग्रेस के अंदर भले ही वो कभी रूसते हों मानते हों, और असल में करण सिंह दलाल अपनी बात बड़ी बेबाकी से कह जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप मान सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर करण सिंह दलाल का भी एक वजूद है। इसके साथ साथ वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं, ये दूसरी बात हो जाती है। अब बात फिर वहीं आती है कि क्या चौधरी हर्ष कुमार को कांग्रेस में जो लाया जा रहा है या वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उस पर क्या कोई प्री ज्वाइनिंग कोई उनके साथ में करार किया गया है, उनको कोई श्योरिटी दी गई है कि भैया आप पार्टी में आ रहे हो तो आपको टिकट देंगे या आपको चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चुनाव लड़ना तो लगभग तय है। चौधरी हर्ष कुमार आप उठा लीजिए 1987 से लेकर के और अब तक, यानी कि और उससे पहले से, पहले चौधरी राजेंद्र चुनाव लड़ते थे हर्ष कुमार के पिताजी, और फिर अब चौधरी हर्ष कुमार, लगातार कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो ना लड़ा हो। हालांकि ये जरूर है कि हर चुनाव में झंडा डंडा बदल जाता है, वो राजनीतिक दल अपना बदल लेते हैं लेकिन चुनाव मैदान में जरूर होते हैं। अब अगर हर्ष कुमार जा रहे हैं कांग्रेस में, उनको ज्वाइन कराया जा रहा है, तो क्या उसके पीछे कोई करार है, कोई समझौता है? और अगर है तो फिर मोहम्मद इजराइल का क्या होगा? क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप माने तो लगभग 2.5 लाख के आसपास मेव मुस्लिम मतदाता हैं। जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है ये पूरी तरह से मेव मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट है, यहाँ पर लगभग 46-47% अकेला मेव मुस्लिम मतदाता है और बाकी फिर जो बाकी बचता है लगभग 57-56% उसके अंदर तमाम सभी जाति, सभी गोत्र और सभी पाल आती हैं।
यानी कि उसके अंदर जाट भी हैं और जाट समाज के साथ साथ ठाकुर, गुजर, राजपूत तो हो ही गए, इसके साथ साथ ब्राह्मण, अग्रवाल, उस ओबीसी, बीसी, सभी एससी, सभी कास्ट आती हैं, जो लगभग 56-57% में आती है, लगभग 43% के आसपास अकेले मेव मुस्लिम मतदाता हैं। इसके साथ साथ मेव मुस्लिम मतदाता फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट को भी प्रभावित करते हैं। मेव मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ओल्ड फरीदाबाद में भी है। मेव मुस्लिम मतदाता बड़खल विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभावशाली हैं। मेव मुस्लिम मतदाता प्रथला विधानसभा में भी हैं, फिर थोड़े से होडल में भी हैं, कुछ पलवल में भी हैं, सभी स्थानों पर हैं। ऐसे में क्या मेव मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद इसराइल, अगर कांग्रेस के अंदर चौधरी हर्ष कुमार को लाया जा रहा है और अगर हर्ष कुमार से कोई प्री ज्वाइनिंग, अगर कोई उनको एश्योरेंस दिया गया है, उनको कहा गया है कि आपको टिकट देंगे या जो भी कोई उनसे अगर वादा हुआ हो, तो फिर उस स्थिति में मोहम्मद इसराइल का क्या होगा? और अगर चौधरी हर्ष कुमार के साथ कोई करार नहीं है, कोई वायदा नहीं है, तो फिर वो क्या सोच करके जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ना है। इसलिए हथीन विधानसभा का जो राजनीतिक परिदृश्य है दोस्तों, वो इस ज्वाइनिंग के बाद में काफ़ी आपको बदला बदला दिख सकता है। हथीन विधानसभा में अगर चौधरी हर्ष कुमार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इधर मोहम्मद इसराइल हैं, जिन दोनों का चुनाव लड़ना तय है, आप मान करके चलें कि अगर हर्ष कुमार जी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन लड़ेंगे जरूर। और अगर इधर मोहम्मद इसराइल का टिकट कांग्रेस ने काट दिया तो फिर वो भी चुनाव लड़ेंगे। वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि हर्ष कुमार जी भी कई बार चुनाव निर्दलीय लड़ चुके और मोहम्मद इसराइल के पिता चौधरी जलेब खां 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए ही चुनाव जीते थे। और उस समय भी हालात कुछ ऐसे थे, हर्ष कुमार जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने चौधरी हर्ष कुमार को टिकट दिया था और उधर जलेब खां नाराज होकर के इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। चौधरी जलेब खां वो चुनाव, उस चुनाव के अंदर जो 2009 का चुनाव था, निर्दलीय लड़ते हुए जीत गए थे। और अब जो वर्तमान का दौर है 2024 का, आप उसको भी दोहरा लें कि इतिहास खुद को दोहरा रहा, आप इसे मान सकते हैं। अब इस चुनाव के अंदर जो मैंने आपको बता दिया कि क्या हर्ष कुमार के साथ में अगर कोई एश्योरेंस दिया गया है उनको चुनाव लड़वाने की कोई ऐसी बात है, तो फिर मोहम्मद इसराइल का क्या होगा? और अगर मोहम्मद इसराइल को ही टिकट मिल सकता है, हर्ष कुमार के साथ कोई करार नहीं है, तो फिर आखिर वो कांग्रेस ज्वाइन करने क्यों जा रहे हैं? अब उसके बाद बात आ जाती है कि इसका और विधानसभा क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और जोड़ दूं जरूर, कि मैं आपसे कह भी रहा था कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र भी आधा पलवल में है। फरीदाबाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद में राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया। एक तरफ करण सिंह दलाल थे जो टिकट चाहते थे, टिकट की उनकी डिमांड थी, टिकट मिला नहीं, तो हालांकि चुनाव तो नहीं लड़ा, कांग्रेस कैंडिडेट के साथ भी रहे, लेकिन राजनीतिक पारे जरूर खींच गए। और राजनीतिक पारों में आप मान लें कि एक तरफ करण सिंह दलाल समर्थक लोग भी हैं, आपको हर विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे, और दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप समर्थक भी लोग हैं, आप देख लें तो फिर, क्योंकि मोहम्मद इसराइल जो हैं हथीन वाले जो कैंडिडेट जो कांग्रेस के पिछली बार भी थे और अब भी उनकी दावेदारी है, इसके साथ साथ फिर रघुवीर सिंह तेवतिया के बेटे तरुण तेवतिया, उधर महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप, इधर बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, इधर नीरज शर्मा विधायक तिगांव वाले एनआईटी वाले, इनकी एक जोड़ी बनी हुई है इस स्थिति में। और दूसरी तरफ फिर करण सिंह दलाल के लोग भी ऐसे ही हैं, उनके पास प्रथला में भी उनके साथ अपने लोग हैं, हथीन में उन्होंने अब हर्ष कुमार जी को ज्वाइन अपने साथ करा रहे हैं, इधर वो एनआईटी के लिए जगन डागर की दावेदारी कर सकते हैं, बड़खल के लिए करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि कोई पंजाबी कैंडिडेट होना चाहिए। तो मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जिससे कांग्रेस का जो राजनीतिक परिदृश्य है इसके अंदर बदलाव तो काफ़ी सारा आया हुआ हो चुका है लोकसभा चुनाव के दौरान ही। लेकिन अब इस नई जोड़ी से जो त्रिदेव मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया हथीन का सिनेरियो, अगर आप आए पलवल और होडल की, तो फिर लगता नहीं कि पलवल और होडल में कोई और इसका कोई बदलाव आए या कोई इसका असर पड़े, क्योंकि पलवल के अंदर करण सिंह दलाल के अलावा कांग्रेस में मुझे कोई मजबूत चेहरा दिखाई देता नहीं। हालांकि कई लोगों ने आवेदन किया है, कल फिरे सिंह पोसवाल मुझे बता रहे थे कि उन्होंने भी आवेदन किया है, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मान करके चलें कि करण सिंह दलाल प्रोडक्शन कैंडिडेट हैं, तो सबसे मजबूत दावेदारी उन्हीं की है और कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। और चौधरी उदयभान होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के पुख्ता दावेदार वो है, और कांग्रेस का मुझे लगता नहीं कि होडल में कोई और टिकट मांगने वाला नेता भी हो। इन सब लिहाज से देखते हुए
जो पलवल के अंदर राजनीतिक परिदृश्य जो चेंज दिखाई दे सकता है वो आपको हथीन में जरूर दिखाई देगा। और अगर आप बात कर लें अंतिम चरण में इस वीडियो के कि अगर ये जो त्रिदेव मिल रहे हैं, जो जोड़ी बन रही है, इसका किसको क्या फायदा और क्या नुकसान, जब ये बात आ जाएगी तो फिर आप मान करके चले कि चौधरी उदय भान का पलवल के अंदर भी असर है, होडल में भी, होडल से तो खुद ही है, और हथीन में भी असर है। और अगर बात आ जाती है चौधरी हर्ष कुमार की, तो चौधरी हर्ष कुमार का हथीन विधानसभा में असर तो है ही है, होडल विधानसभा में भी उनका पूरा असर है, होडल चौबीसी के अंदर भी और होडल शहर के अंदर भी। होडल के अंदर चौधरी हर्ष कुमार एक बड़ा वोट ट्रांसफर करने की पावर रखते हैं। और अगर पलवल के लिए बात की जाए तो भले ही चौधरी हर्ष कुमार का पलवल में सीधा दखलंदाजी तो ना हो, लेकिन वो बड़ा चेहरा मोहरा है तो असर यहाँ भी पड़ता है। फिर अगर बात आ जाती है करण सिंह दलाल की, तो करण सिंह दलाल का भी पूरे जिले में असर है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में तो वो ऐसे नेता है ही हैं कि जहाँ उन्होंने किसी को पनपने ही नहीं दिया कांग्रेस में, लेकिन साथ साथ अगर होडल में देखें तो फिर दिघौट जैसे बड़े गाँव होडल विधानसभा में है, बंचारी जैसे बड़े गाँव हैं जहाँ पर करण सिंह दलाल का पूरा असर है, जाट मेजोरिटी वाले गांवों में खासकर असर है। और अगर देखें तो फिर हथीन विधानसभा में जाएं तो फिर एहरवा जैसे गांव भी आते हैं, दुर्गापुर जैसे गांव भी हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र में, रतिपुर रायपुर कई ऐसे गांव हैं जिन पर करण सिंह दलाल का पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है, असर रहा है पूरा। इस लिहाज से मैंने आपको बताया कि ये जो राजनीतिक बदलाव आ रहा है पलवल जिले के अंदर, ये पलवल के पॉलिटिकल सिनेरियो को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, ये बात तो तय है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इससे पलवल की राजनीति प्रभावित होगी? क्या हर्ष कुमार जी को, जो कांग्रेस में अगर जा रहे हैं चौधरी हर्ष कुमार, क्या उनके साथ कांग्रेस का कोई प्री एग्रीमेंट, यानी कि जिसे कह सकते हैं प्री ज्वाइनिंग करार कोई है, क्या उनको एश्योरेंस दिया गया होगा टिकट का? और अगर ऐसा है तो फिर मोहम्मद इसराइल जो हथीन से कांग्रेस के सशक्त दावेदार हैं, उनकी दावेदारी का क्या होगा? कुल मिलाकर के इस नए राजनीतिक परिदृश्य में जो ये अगर तीन नेता मिल रहे हैं तो पलवल की राजनीति के अंदर, खासकर कांग्रेस की राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।